हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निम्रो दशाओं से लास्ट टाइम हम बिछड़े थे, निम्रो दशाएं चल रही थी, तो निम्रो दशाओं के कोई ही कंटिन्यूएशन में रखते हैं। आज मैं केस स्टडी भी लेके आया हूँ, उससे पहले दशाएँ कैसे जाती हैं उसके बारे में एक छोटी सी एक सारांश आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये 45 साल की निम्रो दशाएँ हैं जो दशाओं को दर्शाती है। एक पाइनेकल की अलग है, इसकी अलग है। तो मैं इस टॉपिक से आपको बताने की कोशिश करता हूँ किस तरह से दशाएं बिहेव करेंगे। अगर किसी के सूर्य की दशा चल रही है तो सूर्य की दशा क्या दिखाती है? अगर सूर्य पॉजिटिव है ग्रिड में तो आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा का समय आएगा। ये एक न्यू बिगनिंग होगी, कुछ भी नया शुरू करना चाहते हो, दिस इज द टाइम फॉर न्यू ओपनिंग्स। आपके लिए सीधा सीधा आपका सोशल स्टेटस अपलिफ्ट होने वाला है, आपका सर्कल बढ़ने वाला है। तो सूर्य की दशा अगर आपके चार्ट में चल रही है तो बहुत पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव सिग्नल दे रही है तो पॉजिटिव जाने वाली है, नहीं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव टेरिटरी में ले जाती है आपको। जिस चीजों के लिए मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं उसी चीजों के संदर्भ में यह नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट से भी आपको फायदा हो सकता है। अगर ये नेगेटिव है तो गवर्नमेंट से कुछ नुकसान करवा देगी। सेकेंड दशा लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा की दशा आपके मन का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है, तो इन दोनों चीजों से रिलेटेड आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, वहां आपको पॉजिटिव सिग्नल मिलने वाले हैं। आपकी शादी फिक्स हो सकती है चंद्रमा की दशा में, क्योंकि दो नंबर और छह नंबर ये शादी से बहुत रिलेट करते हैं। तीन नंबर भी उसको ऑफिशियल जामा तीन नंबर पहनाता है, मतलब फॉर्मल जो सेरेमनीज होती हैं वो तीन नंबर के, उसमें कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है। बट दो नंबर की जब भी दशा आएगी तो आपको शादी या सगाई के संकेत मिल सकते हैं। कोई ऐसी बात चल रही है तो पॉजिटिव रहने वाली है। अगर मून की दशा नेगेटिव टेरिटरी में है तो कहीं ना कहीं आपके मन को ठेस पहुंचेगी, और कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी अपने मन के कारण दुखी अवस्था में रहोगे। अब तीसरी दशा की बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर मतलब नॉलेज और विजडम, धर्म, ज्ञान और लकी, फाइनेंसिस, हेल्थ, स्टेबिलिटी। तो ये दशा बहुत बड़ी है। आप जब भी किसी की जुपिटर की, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दशा चल रही हो, वो बहुत बड़ी स्टेबिलिटी देती है लाइफ में। आप उस समय बहुत आनंदित अवस्था में फील करोगे, चाहे बहुत पैसा कमाओ ना कमाओ, बट आपका मन बहुत अच्छी अवस्था में रहेगा जब जुपिटर की दशा। आप धर्म से जुड़ोगे, किसी ना किसी कन्वेंशन में आपको बोलने का मौका मिलेगा, आपकी रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में बहुत अच्छी रहने वाली है, आपकी स्पीचेस जो भी होंगी लोग बड़ी तारीफ करेंगे, आप नए नए कोर्सेस ज्वाइन करोगे, कुछ ना कुछ सीख के आओगे, कुछ ना कुछ सिखाओगे भी, क्योंकि ये टीचिंग को भी बताता है जुपिटर। अगर पॉजिटिव टेरिटरी में है तो बहुत अच्छा करने वाला है, अगर नेगेटिव टेरिटरी में है तो कहीं ना कहीं सोच लो आपको वाणी के कारण, अपनी कुछ स्पीचेस के कारण हंसी मजाक भी उड़ सकता है, क्योंकि ये ईगो देता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा ईगोस्टिक होके कुछ अनाप शनाप बोल देता है सोसाइटी में, जिसके कारण उसकी मान प्रतिष्ठा में नीचे हानि पहुंचती है। अब बात करते हैं राहु की। अगर राहु की दशा, राहु अकस्मात है, अगर राहु पॉजिटिव टेरिटरी में काम कर रहा है तो बहुत फास्ट पैसा देता है। जितनी फास्ट राहु पैसा देता है शायद इनमें से कोई प्लैनेट देता हो। शनि भी पैसा देता है पर शनि स्लोअर पेस में देता है। अकस्मात बहुत बड़ा पैसा, वो समझ लो राहु और केतु का उसमें कहीं ना कहीं बड़ा रोल होगा। पॉजिटिव राहु है तो आपको आपके विचारों में क्लैरिटी रहेगी, आपको बुरी से बुरी परिस्थिति से निकाल लाएगा। मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट है, मेटेरियलिस्टिक सक्सेस देगा। अगर राहु आपका नेगेटिव जोन में काम कर रहा है तो यह आपको राहु, क्योंकि दिमाग की सोच को भी कहते हैं उल्टी सोच है, यह आपकी सोच में धुंध रहेगी, कहीं क्लैरिटी रहेगी नहीं कि क्या होने वाला और किसके साथ क्या करने वाले हो, और आप किसके साथ क्या करने वाला हो और आपके साथ कोई क्या करने वाला है। तो किसी ना किसी सिचुएशन में ऐसा फंसा के रखेगा, जब तक ये राहु की दशा चलती रहेगी आप उस परिस्थिति से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। उसके ये चार साल की दशा होती है। उसके बाद करते हैं मरकरी की। मरकरी चूंकि नॉलेज को, और नॉलेज कर रहा हूं आपके इंटेलिजेंस को कहते हैं, ह्यूमर को कहते हैं, ये भी देखना पड़ेगा मरकरी की दशा में किस कौन से साल में आपको आई है। अगर बचपन में आई है तो आपको पढ़ाई बहुत अच्छी करवा देगी,
बहुत अच्छी नॉलेज दिला देगी, क्योंकि आप अपने इंटेलिजेंस से ब्राइट स्टूडेंट बन सकते हो। अगर ये दशा आपकी युवा अवस्था में आई है तो आपको बिजनेस करने का बहुत अच्छा हुनर देगी। आप जॉब करते हो, कम्युनिकेशन फील्ड में हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि कम्युनिकेशन का ही ग्रह है मरकरी। तो जो जो मरकरी के कारक तत्व हैं उनसे आपको फायदा होने वाला है। यही मरकरी अगर ग्रिड में मौजूद नहीं, यानी नेगेटिव टेरिटरी में कहीं काम कर रहा है, तो जो जो बातें कही हैं उसका उल्टा कहीं आपको फेस करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं 6 नंबर पे वीनस की। ये दशा 6 साल की है। वीनस सभी सुखों का कारक है। वीनस ऑपोजिट सेक्स से भी जो हमें खुशियां प्राप्त होनी है उसका भी कारक है। तो जब वीनस की दशा आती है तो आपके लिए बहुत सारी नई चीजें लेके आएगी, खुशियां लेके आएगी। आपकी शादी रुकी है, शादी करा देगी। अगर आपका डिवोर्स किसी के कोर्ट में फंसा हुआ, डिवोर्स करवा देगी। बहुत इजीली आपको डिवोर्स मिल जाएगा उस पीरियड में। आपको नई नई चीजें खरीदने का अवसर मिलेगा वीनस की दशा में। वीनस आपका अगर पॉजिटिव टेरिटरी में है तो जितनी बातें कही है उसका उल्टा होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न कर्म का कारक है। जुडिशरी में कोई केस फंसा हुआ है, जीत जाओगे आप। शनि की दशा आएगी, शनि की दशा आएगी तो आपके कर्मों में बहुत बहुत बड़ा प्लस होने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, अगर माइंस का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हो, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिला देगा अपनी दशा में। जुडिशरी में किसी पोस्ट पे हो तो प्रमोशन करवा देगा आपको। और अगर शनि नेगेटिव है तो वो मैं अभी केस स्टडी में बताऊंगा क्या करता है। उसके बाद आता है जी आपका बीच में, सॉरी, केतु की मिस हो गई हमारी। केतु की दशा 7 नंबर की, 7 साल की। केतु आपको अकल्ट वर्ल्ड में बहुत बड़ी सक्सेस दिलाता है, मंत्र साधना में सक्सेस दिलाता है। केतु फाइनेंसिस को भी गवर्न करता है कुछ हद तक, फाइनेंसिस आपके अच्छे रखेगा। केतु रिसर्च का ग्रह है, विजडम का ग्रह है, टेक्निकल पढ़ाई का भी ग्रह है, तो उस फील्ड में आपको रिसर्च में बहुत बड़ी सफलता दिला देगा। जिस भी प्रोडक्ट से लेके आप, जिस भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, आपको आशा के अनुसार बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी उस पीरियड में। और नेगेटिव टेरिटरी में है तो डिटैचमेंट देता है वो, तो जग जाहिर है। केतु से बड़ी डिटैचमेंट कोई नहीं देता। हस्बैंड वाइफ को अलग करा देगा। सबसे ज्यादा हस्बैंड वाइफ को अलग कराने में केतु का ही रोल होता है, 2nd नंबर में मार्स का। अब बात करते हैं लास्ट में मार्स की। अगर मार्स की दशा बचपन में आपकी आई है, इसमें अवस्थाएं जरूर देखनी पड़ेंगी, आपको स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी सक्सेस दिला सकता है। अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिला सकता है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस को गवर्न करता है। एक्शन का ग्रह है तो एक्शन में रखेगा आपको, कोई ना कोई आपको वीर पुरस्कार वहां से मान सम्मान दिलवा देगा, क्योंकि मान सम्मान का भी मार्स से बहुत बड़ी एसोसिएशन है, नेम एंड फेम से। यही मार्स अगर आपके, मतलब आज की दुनिया में इस कॉन्टेस्ट में बोलूं तो यूट्यूब वगैरह से आपको जोड़ के, सोशल मीडिया से आपको जोड़ के अपनी दशा अंतरदशा में बहुत बड़ी सक्सेस दिला देगा। अगर ये मार्स नेगेटिव टेरिटरी में है, आप लोगों से उलझ जाओगे इस पीरियड में, लड़ाई झगड़े में भी डाल देगा। तो हमें किसी भी प्लेनेट को की दशा को जानने से पहले उसके कारक तत्वों को पहचानना बहुत जरूरी है, और किस समय में आई है। जैसे मेरी तो 50 साल में पाइनेकल दशा 9 नंबर मार्स की चल रही है, मुझे यूट्यूब से जोड़ दिया और यूट्यूब में अच्छी सफलता भी दिलवाई। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक केस स्टडी लेके आया हूं कि ये दशाएं कैसे जाती हैं, इसका केस स्टडी से क्या रिलेशन है, मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको बताया था कि आपका जो ड्राइवर नंबर है, कंडक्टर नंबर है, इसका आपको दशा से बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं केस स्टडी में अनिल अंबानी जी की कुंडली लेके आया हूं, लोशोग्रिड, और टीना अंबानी जी का लोशोग्रिड लेके आया हूं। यहां समझते हैं एक लोशोग्रिड क्या कह रहा है। देखो, अनिल अंबानी जी की कुंडली में 4, 5, 6 का राजयोग बना हुआ है, तो ये सबसे बड़ा राजयोग होता है। और इस राजयोग का असर क्या हुआ, दुनिया के 6ठे नंबर के रिचेस्ट आदमी एक समय बने। पर आज की केस स्टडी में मैं उस इनके राजयोग की चर्चा करने नहीं आया। आज ये बताने आया हूं कि ये दशाएं चलती हैं उसका नेगेटिव इंपैक्ट कैसे आपको नीचे ला सकता है। इनकी केस स्टडी में देखो, 4 और 7 इनका भाग्यांक और मूलांक बनता है। इनकी पाइनेकल दशा चल रही है 3 नंबर की, जब ये पिछले दिनों में बैंकरप्ट हुए तो इनकी पाइनेकल दशा 3 नंबर की चल रही है, 3 नंबर इनके ग्रेड में मिसिंग है। तो ये आप, मैंने पहले ही बोला था, जो भी प्लैनेट की दशा चल रही हो, अगर वो मिसिंग है आपके ग्रेड में,
तो वो बहुत नेगेटिव काम करती है। कुछ हद तक बचाव हो जाता है अगर उसके सहयोगी नंबर ग्रिड में मौजूद हो। तो अब इन्हीं अनिल जी की हम दूसरी दशा ये वाली दशा कैलकुलेट करते हैं, तो ये 8 नंबर की चल रही थी। इनकी जन्म पत्री देखोगे तो 12वें घर में शनि है। 12वें घर में शनि जुपिटर के गोचर ने 2-3 साल पहले जो पढ़ा था उसने इनको बहुत बड़े लॉसेस करवाए, और 2014 में ये दशा शुरू हुई। यहां पे ये दशा शायद 2012 में 8 नंबर की चली। मतलब एक टाइम में ही जब इनकी शनि की महादशा चल रही थी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उसी समय पर 8 नंबर की इनकी दशा एक्टिवेट थी ये वाली। अब ये ग्रिड में 8 नंबर मौजूद नहीं है, तो मैंने बोला था जो ग्रिड में मौजूद नहीं होते नंबर उनकी दशाएं आती है तो आपको हिट करेंगे। और ऐसा है कि 8 नंबर इनके 4 नंबर का तो क्लियर कट शत्रु है, पाइथागोरस छोड़ दो, शेल्डन में बहुत बड़ा शत्रु माना जाता है, और सेम रिजल्ट उसने दिए। 4 और 7 नंबर से भी उसका कोई बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है, तो ये 4-7 का कॉम्बिनेशन 8 नंबर के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता था। अब आते हैं टीना अंबानी जी की डेट ऑफ बर्थ पर। टीना अंबानी जी की जो लोशो ग्रिड है, अब इनके लोशो ग्रिड में वैसे इच्छा शक्ति का प्लेन है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डाला था, इस साल उनकी सैटर्न वीनस की दशा शुरू होगी, यहां से उनका बाउंस बैक हो सकता है। हालांकि पंचमी उनका मकर लगन है, पंचम भाव का स्वामी बनते हैं वीनस, और सप्तमी और 10th लॉर्ड भी बनते हैं, 7वें घर में व्यापार के घर में मौजूद हैं, यहां से कुछ ना कुछ बेटर पीरियड में उनको देखता हूं। मैंने लास्ट ईयर ही भी बोल दिया था ऑलमोस्ट वर्स्ट इज ओवर फॉर अनिल अंबानी। अब बात करते हैं टीना अंबानी जी की लोशो ग्रेड पे। इनका 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है। अब इनके ग्रेड में भी इच्छा शक्ति का प्लेन है, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है। अब इनकी दशा देखते कौन सी चल रही है, इनकी जो निम्रो दशाएं चल रही हैं 2, 1 चल रही है 8 नंबर की, 9 नंबर की, जो लास्ट इनकी 53 साल में 9 नंबर की दशा शुरू हुई। अनिल अंबानी जी की 52 साल के बाद 8 साल की 8 नंबर की दशा शुरू हुई, जिसने इनको डाउनफॉल कराया, क्योंकि उस पीरियड में जिस पीरियड में इनका डाउनफॉल गिरता चला गया वो 8 नंबर की दशा थी इनकी। अब इनकी सेम टाइम में हस्बैंड और वाइफ की दोनों की विपरीत प्लेनेट की दशा चल रही है, ये आप नोट करना इस बात को, यहां 9 नंबर की दशा चल रही है इनकी। अब इनके ग्रिड में देखते हैं 9 नंबर की क्या भूमिका है इनके जो मूलांक और भाग्यांक से। भाग्यांक ही इनका 8 नंबर है, कितना बड़ा 8 नंबर का शत्रु, मंगल और शनि की शत्रुता तो सामने है सबके। तो जिस समय अनिल अंबानी जी की विपरीत प्लेनेट की दशा चल रही थी, बुरे प्लेनेट की निम्रो दशा, सेम टाइम में टीना अंबानी जी का लोशो ग्रिड भी यही कुछ ब्याह कर रहा है। तो दोस्तों मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था पर्सनल ईयर और महादशा का इनसे तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है कि कैसी जाने वाली है। तो मैंने आज अपने पॉइंट को क्लियर करते हुए यही बताया है। वैसे देखा जाए देखो 4 नंबर है यहां पे, 3 मिसिंग है, टीना अंबानी जी के दोनों ही मिसिंग है इधर। अब वैदिक चार्ट में आते हैं, वैदिक चार्ट में भी ये 2 नंबर दोनों के पैसे को दर्शाते हैं, तो ये वीक है यहां पर। अब इनके भाई की अगला लोशो ग्रिड की प्रेजेंटेशन दूंगा, नीता अंबानी और मुकेश अंबानी जी की, वहां पे कितने बड़े गेम चेंजर बनेंगे दोनों के दोनों प्लैनेट, यानी मनी ट्री वाले प्लैनेट कितने बड़े गेम चेंजर बनेंगे मैं वहां बताऊंगा। पर देखो मनी ट्री यहां कमजोर है, कमजोर प्लैनेट की दशाएं आई और अनिल अंबानी जी का पतन फाइनेंशियल मार्केट में शुरू हो गया। दोस्तों कंपनी का लोगो कंपनी के फ्यूचर के लिए क्या रोल अदा करता है, आज एक छोटी इस प्रेजेंटेशन में एक पॉइंट और ऐड करता हूं आप लोगों के लिए। मैंने आज से 4-5 साल पहले पोस्ट डाली थी कि ये लाल रंग ये फायर साइन है, नीला रंग ये वाटर साइन होता है। तो जब ये 2 विरोधाभास प्रवृत्तियों के कलर एक साथ कोई भी कंपनी के लोगों में आते हैं तो कुछ ना कुछ टकराव की या कुछ ना कुछ फॉल की सिचुएशन आ सकती है। आप अडाक के लोगों में देखो, अनिल अंबानी जी के लोगों में देखो, उनका लोगो ये है रेड एंड ब्लू। तो ये नहीं कि इनकी इन्हीं के लोगों के साथ ऐसा हुआ है पिछले दिनों में 4-5 कंपनियां इसी कलर कॉम्बिनेशन वाली मार्केट से बैंकरप्ट हुई। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूं। यस बैंक का लोगो देखो, वो भी लाल और नीले रंग का है, हालांकि उसमें टिक ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी वो ग्राफ ऊपर का ही है उसका, और वो कंपनी बहुत ऊपर भी गई, 1500 रुपए शेयर का रेट हो गया था उसका, यस बैंक का। बट चूंकि कलर कॉम्बिनेशन डेंजरस था उसका फॉल भी हुआ।
अब सेम कलर कॉम्बिनेशन में DHFL एक कंपनी बैंकरप्ट हुई, 500-600 रुपए का शेयर था, देखते ही देखते मिट्टी के रेट पे आ गया। उस कंपनी का आप लोगो देखो, वो भी लाल और नीले रंग का है। शुरू शुरू में कुछ एस्ट्रोलॉजर या कुछ वास्तुकार मेरी बात से सहमत नहीं थे, बट आज मैं आपको उसी पॉइंट को रख रहा हूं कि ये जब कलर कॉम्बिनेशन का आप चूज करो अपने लोगों में, तो उसका बहुत विशेष एक महत्व है। तो उसको जांच करने से पहले आप किसी ना किसी सीनियर वास्तुकार से या एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हो। थैंक्स फ्रेंड्स, ये अपने आप में एक मेरी पहली यूनिक प्रेजेंटेशन है। इससे पहले सबसे पहली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने दोनों भाइयों का, वास्तु का, लोगों का महत्व बताया था, वहां पे भी इस बात का जिक्र किया था। जो मुकेश अंबानी है उनके जितने लोग हैं वो पॉजिटिव कलर्स के सारे। तो जब भी इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल कलर को आप लोगों में लाओगे तो कुछ ना कुछ डेंजर जरूर देखोगे। तो दोस्तों, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने रखी क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे कि आप निम्रो दशा को प्रैक्टिकली समझाओ कैसे जाती है। तो आज आपके सामने एक प्रेजेंटेशन दी है, प्रेजेंटेशन बहुत सारी लाऊंगा, बड़ी एक शुरुआत है। थैंक्स दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइएगा। मैं न्यूमरो कोर्सेज, एस्ट्रो कोर्सेज, भृगुनंदी नाड़ी कोर्सेज और कृष्णमूर्ति पद्धति के कोर्सेज भी लेके आया हूँ। आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज्वाइन कर सकता है। नंबर आपको व्हाट्सएप में मेरे इसी यूट्यूब के लिंक में मिल जाएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।